Hello friends, welcome to Mind Blowing Math. And today we are solving DU entrance exam 2015 question, linear algebra portion. And ये question linear transformation का है, जिसमें हमें linear transformation का inverse find करना है. हमारा question है t x1 x2 x3 equal to 3 x1 x1 minus x2 2 x1 plus x2 plus x3. इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है. तो इस इनवर्स को निकालने के लिए दो मेथड है, एक लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, और एक ट्रिक है जो सॉल्यूशंस जो ऑप्शंस है उनसे चलती है. और ये टाइम कम लेगी और एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आसान है. तो पहले मैं आपको सब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूँ. सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए हमारा जो फंक्शन है टी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इसको हमें इक्वेट करना है एक y1 y2 y3 के. यहां से अगर हम x1 x2 x3 से इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या करना है, हमें x t x1 x2 x3 जो हमारी वैल्यू है 3 x1 x1 minus x2 2x1 plus x2 plus x3 equal to y1 y2 y3. हमें क्या करना है कि जो x1 x2 और x3 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है. जैसे 3x1 जब हम दोनों पार्ट इक्वेट करेंगे तो कंपोनेंट वाइज 3x1 equal to y1, यहां से x1 की वैल्यू आती है y1 अपॉन 3. इसी तरह हम x2 और x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. और निकालने के बाद जब हम x1 x2 x3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा y1 y2 y3 के टर्म्स में, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं x1 x2 x3 से और फिर अपने ऑप्शंस से मैच करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है. अब मैं सेकंड अप्रोच कर रहा हूं जो आसान है और टाइम कम लेगी बहुत. के लिए हमें क्या देखना है, हमारा जो फंक्शन है x3 x1 ये कंप्लीट जो हमारा फंक्शन है इसमें क्या करना है, अब हमें ऑप्शंस चेक करने हैं. जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन में है x1 by x3 फर्स्ट कंपोनेंट में, इसमें हमें x1 की जगह जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है उसकी कंप्लीट वैल्यू पुट करनी है. जैसे x1 की जगह हमें पुट करना है 3x1, तो 3x1 अपॉन 3, ये 3 से 3 कटेगा और ये x1 आ गया है. इसी तरह अब यहां x1 आ रहा है, हमें लाना क्या है, हमें पुट करने के बाद क्या लाना है x1 x2 x3. अगर हमारा ये आता है तो जो ऑप्शन ये तीनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा. अब चारों ऑप्शन को देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में x1 by x3 x1 by x3, तो इस तरह से हम किसी भी ऑप्शन को डिस्कार्ड नहीं कर सकते. अब चलते हैं सेकंड कंपोनेंट में, जो x1 फर्स्ट में है x1 by 3 plus x2. x1 की जगह हमें पुट करना है 3x1, 3x1 by 3, और x2 की जगह हमें पुट करना है x1 minus x2. अब इक्वेट इससे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा x1 2x1 minus x2, और हमें जैसे दिख रहा है कि ये x2 के इक्वल नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है. इसी तरह अब जैसे ही ये ऑप्शन डिस्कार्ड होता है तो ऑटोमेटिकली थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया है, क्योंकि इसमें भी x1 by x x1 by 3 plus x2 और यहां भी x1 by 3 plus x2 है. अब हमारे ऑप्शंस रहते हैं c और b. इन ऑप्शंस को चेक करने के लिए x1 by 3 minus x2 या x1 की जगह रखना है हमें 3x1 और x2 की जगह रखना है x1 minus x2. x1 minus x1 plus x2,
यहां से हमारा x2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बी एंड सी करेक्ट ही होने थे क्योंकि दोनों में ही सेकंड कंपोनेंट सेम है। अब बात आती है थर्ड कंपोनेंट की, जैसे x1 जो हमें हमारा है 2x1 प्लस x2 प्लस x3। अब थर्ड कंपोनेंट के लिए b में देखते हैं हम x1 प्लस x2 प्लस x3 है। x1 की जगह रखना है 3x1, x2 की जगह रखना है हमें x1 माइनस x2 और x और x3 की जगह हमें रखना है 2x1 प्लस x2 प्लस x3। अब जैसे हम देख रहे हैं इन्हें इक्वेट करने के बाद हमारी x1 टर्म्स में टोटली 6x1 हो रहे हैं और हमें ये टर्म कंप्लीटली इक्वल करनी थी x3 के, जो क्लियरली नहीं हो पाई, तो हमारा ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। अब लास्ट हमारे पास बचा है ऑप्शन।